पीएम मटेरियल है नहीं, ये अभी नहीं, नहीं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। देखिए एक चीज बोलेगा ना, अभी आपने बताया कि पीएम मटेरियल है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और बुराई होती है। अभी 29 तक पीएम मटेरियल के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, 29 तक, 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इतना नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है नरेंद्र मोदी जी के आकर के। और हम लोग की एसपी प्रधानमंत्री जी हमेशा से देश के प्रति, हमारी जनता के प्रति वो सोचते हैं और करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित है, सुरक्षित है, पूरे इंडिया में मोदी का लहर है, पूरे भारत विश्व में मोदी का लहर है। और इस नीतीश कुमार कहीं से पीएम मटेरियल नहीं है, इसमें नो डाउट है। ये आप अपने कभी किसी के माइंड में मत डालिए, मोदी है तो सब है, मोदी नहीं तो कुछ भी। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में पहला बन रहा है डबल टेकर फ्लाईओवर, जनता में इसको लेकर कितनी खुशी है, बात करते हैं जनता से, कितनी खुशी है सर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी है। अब हमें मुंबई जैसी फीलिंग हो रही है। हाँ, जाम से निजात मिलेगा 100%। अच्छा, डबल ट्रेकर पुल बन रहा है सर, ये जो कार्य योजना है ये आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारे पथ निर्माण विभाग में नए जो नवनियुक्त मंत्री हैं श्री नितिन नवीन जी के कार्य क्षमता का बोधक है। और डबल डेकर पुल से अशोक राजपथ का जो जाम है वो बहुत हद तक उसमें निजात आदमी मिलेगा। और ये ऐसे ऐसे कई और आने वाले भविष्य में योजना है जो कार्यान्वित किया जाए। मतलब कार्यकर्ताओं में खुशी है, कार्यकर्ता मौजूद है। पुल का निर्माण हो रहा है पटना में, देखिए ये जो पुल का निर्माण हो रहा है ये तो डेडिकेटेड पुल है, ये कहिए कि अशोक राजपथ, हमारा PMCH के लोग को बहुत राहत हो जाएगा, BN कॉलेज के स्टूडेंट को राहत हो जाएगा। इधर से जाने के लिए हम लोग सेकंड फ्लोर पर जाएंगे और उधर महेंद्रू वाले को आना है तो फर्स्ट फ्लोर वाले से यहाँ आकर उतर जाएगा, इससे हमारा समय भी बचेगा, जो जाम में जो पॉल्यूशन फैलता है ये तो। ऑलरेडी बहुत सारे पुल है और उससे कितना जाम में निजात मिला है लोगों से पूछेंगे सर। पटना में ऑलरेडी बहुत सारे पुल बने हैं, उससे कितना पटना में जाम, बहुत निजात मिलेगा ये पुल से हम लोग को। हम लोग बहुत खुशी का पल है कि आज हमारे SSP बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी के सौजन्य से ये पुल का निर्माण हो रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं, ताकि हम लोग को अब रास्ता ये NIT से मिल जाएगा, दीघा घाट वाला जो बन रहा है उससे मिल जाएगा, तो हम लोग बहुत खुशी का है। मतलब अब लगने लगा है कि CM PM मटेरियल है? नहीं, ये अभी नहीं, नहीं। हमारे PM नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। देखिए एक चीज बोलेगा ना, अभी आपने बताया कि PM मटेरियल है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और बुराई होती है। अभी 29 तक पीएम मटेरियल के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इतना नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कोई वैकेंसी नहीं है नरेंद्र मोदी जी के आकर के। और हम लोग की एसपी प्रधानमंत्री जी हमेशा से देश के प्रति, हमारी जनता के प्रति वो सोचते हैं और करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। फ्लाईओवर बन रहा है पटना में, डबल टेकर फ्लाईओवर, क्या जाम से निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, और खास करके जो गांधी मैदान से पटना सिटी की तरफ जाते हैं उन लोगों को जाम से निजात मिलेगी। आने वाले समय में पटना वासियों के लिए ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है बिहार सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा गिफ्ट है। युवा है, युवा से बात करेंगे, डबल टेकर फ्लाईओवर बन रहा है, जाम से निजात मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया, निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे बिहार के यशस्वी पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी के द्वारा एक पटना वासियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात, कारगिल चौक से लेकर साइंस कॉलेज तक होते हुए डबल टेकर जो फ्लाईओवर जो बन रहा है, ये निश्चित रूप से पटना वासियों को जाम से निजामत मिलेगी, इसमें कहीं। इस तरह से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, क्या लगता है पीएम मटेरियल है? पीएम मटेरियल तो भैया बिल्कुल है, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है वो वर्ल्ड फेमस है, आप लोगों को पता है, तो पीएम मटेरियल तो है। वैकेंसी है कि नहीं नीतीश कुमार?
क्या भैया नीतीश कुमार के लिए वैकेंसी है कि नहीं? मोदी के आगे किसी का वैकेंसी भी नहीं है फिलहाल, ये सब निश्चित है, सुरक्षित है। पूरे इंडिया में मोदी का लहर है, पूरे भारत विश्व में मोदी का लहर है, और इस नीतीश कुमार कहीं से पीएम मटेरियल नहीं है, इसमें नो डाउट है। ये आप अपने कभी किसी के माइंड में मत डालिए, मोदी है तो सब है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं है। जदयू के बड़े नेता डाल रहे हैं, हम हमें नहीं पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और उस नाते हम बोलना चाहते हैं कि हमारे राजा और हमारे देश के संति मोदी, प्रधानमंत्री मोदी है, कोई इफ कोई बट नहीं है। मतलब बिहार में नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र, हाँ बिहार में स्वागत नीतीश कुमार का, और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। चलिए, तो युवाओं ने, और भी युवा है हमारे साथ, डबल टेक अप फ्लाई ओवर बन रहा है, जाम से निजात मिलेगा? जाम से बहुत निजात मिलेगा। हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे बाकीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को, जिनके अथक प्रयास से आज 422 करोड़ की लागत से अशोक लाजपत से कारगिल चौक गांधी मैदान से और आपका डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य का शिलान्यास जो आज किया जा रहा है, उसके लिए हम पूरे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा तहे दिल से धन्यवाद माननीय नीतीश कुमार जी को, हमारे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को, आदरणीय माननीय रेणु देवी को, और हमारे बाकीपुर के लाल हृदय सम्राट आदरणीय नितिन नवीन जी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। नितिन नवीन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। तो ये युवा थे बिहार के युवा जो जिन्होंने कहा कि डबल टेकर फ्लाई ओवर बनने से पटना में जाम से निजात मिलेगा, और ख़ास करके कारगिल चौक से जब पीएमसीएच की तरफ बढ़ते हैं तो उधर ज़्यादा जाम देखने को मिलता है, और उस समय जब कोई मरीज अगर रहे जो पीएमसीएच में जाना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।